Alif Lai La, Alif Lai. आइए आका, आइए आका, आइए आइए। आप लोगों को जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं इस अजनबी शहर में पहली बार आया हूँ। ये कौन शहर है? ये सल्तनत फरान का शहर अमन है। मगर इस शहर अमन में सब लोगों ने काले साफे क्यों बांध रखे हैं? और ये काला लिबास? सल्तनत फरान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, इसलिए काला लिबास पहनकर मातम मना रहे हैं। किस बात का मातम? क्या कोई अहम शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया है? आज से 40 दिनों पहले सल्तनत फरान के नेक दिल हर्दिल अजीज बादशाह का इंतकाल हो गया। तब तो ये वाकई दुख और मातम की बात है, लेकिन इस मातम के दौर में भी सब लोग रोते रोते मुझे देखकर मुस्कुराने क्यों लगे? क्योंकि तुम अपने साथ खुशी का पैगाम लाए हो। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? बड़ी अजीब बात है, आप लोग तो मुझे जानते भी नहीं, फिर आपको यह कैसे पता चला कि मैं यहां आने वाला हूं? हमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उस अजनबी का इंतजार था जो इस शहर में सबसे पहले दाखिल हो, और तुम ही वो खुशनसीब अजनबी हो जिसने सल्तनत फरान के दारुस सल्तनत में आज के दिन पहला कदम रखा है। आओ ए खुशनसीब नौजवान, हम तुम्हें फरान के शाही दरबार में ले चलते हैं। शाही दरबार में? हाँ ए मुकद्दर के शहंशाह, सल्तनत फरान का ताजो तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा, पहले चलिए तो सही। लश्कर फरान का यह अफसर हैरान है कि अपने बादशाह का शोक मनाए या तुम नादानों की अक्ल पर मातम करे। इस अजनबी नौजवान के रंगीन लिबास से यह साबित नहीं होता है कि यह अजनबी है। यह सल्तनत फरान का दुश्मन भी हो सकता है। बादशाह बनने और हमें धोखा देने के लिए इसने रंगीन चोला बदला होगा। तो फिर इस बात का फैसला कैसे होगा, ये शख्स अजनबी है कि नहीं? फैसला करना काजी शहर का काम है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस अजनबी नौजवान को और काजी शहर की अदालत में पेश करो। वहीं इसका इम्तिहान भी होगा और किस्मत का फैसला भी होगा। तो तुम्हारा नाम बिलाल बिन कासिम है? जी। इसका दावा है कि यह शख्स अजनबी है, सल्तनत फरान का यह शहरी नहीं है, और यह आज ही इस शहर में दाखिल हुआ है। क्यों नौजवान, तुम्हारा क्या ख्याल है? हुजूर, अव्वल तो यह बात ही गलत है।
कि मैंने अपने अजनबी होने का कोई दावा किया है। तो तुम्हें एतराफ है कि तुम अजनबी नहीं हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं अजनबी तो हूं, मगर मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, क्योंकि जो अजनबी है वो अजनबी ही है, लिहाजा उसे ऐसा कोई दावा करने की क्या जरूरत। यह तो बड़ी अजीब सी बात है। दरअसल जब से मैं शहर में दाखिल हुआ हूं, मुझे शहर की हर बात बड़ी अजीब सी लग रही है। इस शहर का तो दस्तूर ही निराला है। खुदारा आप मुझे माफ करें और शहर से बाहर जाने की इजाजत दें। मुफ्ती दीन, इसकी बातों से सच्चाई की खुशबू आ रही है। अगर आपको शक हो तो आप भी इससे सवाल करें। दूध का दूध और पानी का पानी करने का एक निहायत ही आसान तरीका यह है कि अगर ये शख्स बिलाल बिन कासिम है, जो कि मुसलमान है, अगर ये कुरान पर हाथ रखकर कसम खाकर ये कहे कि ये वाकई अजनबी है, तो फिर किसी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। कसम खाओ कि तुम अजनबी हो। तो क्या सच को सच साबित करने के लिए भी मुझे कसम खानी पड़ेगी? ये तुम्हारी और हमारी मजबूरी है। मैंने कहा खाओ कसम। मैं बिलाल बिन कासिम कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं शहर अमन और मुल्क फारान में अजनबी हूं। मुल्क फारान को और इसके आवाम को नया बादशाह मुबारक हो। बादशाह सलामत जिंदाबाद। 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 सल्तनत फरान की बादशाहियत। मुबारक हो। मुल्क फारान का ताज मुबारक हो। मुबारक तस्लीम। मुबारक मुबारक तस्लीम। मुबारक 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 मुबारक। अजीब मुसीबत है। अजीब मुसीबत, अजीब शहर है, अजीब लोग हैं। मान ना मान, तू मेरा सुल्तान, जबरदस्ती ताज पहना दिया, जबरदस्ती बादशाह बना दिया, ये भी कोई बात हुई? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मुबारक हो आका, फारान का तख्त ताज मुबारक हो। कौन हो तुम? सामने आओ। कौन हो तुम? तुमने बताया नहीं। आप भूल गए आका, आपके इस गुलाम का नाम जिन्ने रियासत है, मुर्गे सादत का बाया हिस्सा आपने खाया था, इसलिए मैं आपका गुलाम हो गया हूं। और ये ताज, ये तख्त और ये सल्तनत मैंने आपके कदमों में रख दी है। ओ, तो ये सब तुम्हारी करामात है, मगर ये करामात हुई कैसे? मेरी समझ में तो नहीं आई, कोई कुछ बताता भी नहीं है। मैं बताता हूं आका, हकीकत यह है कि इस मुल्क के बादशाह की अचानक मौत हो जाने के बाद तख्त व ताज के बेशुमार दावेदार पैदा हो गए,
और आपस में लड़ने लगे, मरने लगे। तब समझदारों ने ये फैसला किया कि कल सुबह शहर पनाह में जो शख्स दाखिल होगा वही सल्तनत फरान का बादशाह होगा। ओ, तो ये है कहानी? ये कहानी नहीं है आका, ये आपकी जिंदगी की सच्चाई है। मुर्गे सादत का करिश्मा है और आपके इस गुलाम की फरमा बरदारी है। ताजुखेज, हैरत अंगेज, नाकाबिल यकीन, मगर सच है। और इस सच का एतबार करने में मुझे वक्त लगेगा। जिन्हें रियासत, तुम जा सकते हो। बिना खिदमत लिए आप मुझे यहां से रुखसत नहीं कर सकते आका। आप बताइए, मैं आपकी और क्या खिदमत करूं? मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा भाई जलाल इस समय कहां है और किस हाल में है। जो हुक्म मेरे आका। एक रात सराय में ठहरने के 10 दिनार होंगे हुजूर। क्या, सिर्फ एक रात ठहरने के 10 दिनार? ये तो अंधेर है, लूट है। दमिश्क की इस अंधेर नगरी में सभी लुटेरे हैं हुजूर। यहाँ तो कदम कदम पर कजाक, मक्कार, अय्यार और दगाबाज लोग मिलेंगे। अजीब शहर है, चोरी और सीना जोरी, किसी को खुदा का खौफ नहीं। हजूर, यहाँ लोग खुदा से कम एक दूसरे से ज्यादा डरते हैं। यहाँ कौन कब किसका हक मार ले और कौन कब किसका गला दबाकर अपनी झोली भर ले। तुम अजनबी और शरीफ लगते हो। तुम्हें देखकर मेरे अंदर की सोई हुई शराफत और इंसानियत जाग उठी है। इसीलिए तो मुरव्वत में सिर्फ 10 दिनार मांग रहा हूं हुजूर। अगर कोई और होता तो कम से कम 100 दिनार से कम नहीं लेता हुजूर। तुम वाकई रहम दिल लुटेरे हो। शुक्रिया। अगर तुम चाहो हुजूर तो किसी दरख्त के नीचे रात गुजार कर अपने 10 दिनार बचा सकते हो। नहीं भाई, नहीं नहीं। अब मगर जैसा कि तुमने अपने शहर की तारीफ की है, उस सूरत में तो शायद न मेरे तन पर कपड़े और न जेब में फूटी कौड़ी। समझदार लगते हो, शायद कुछ दिन तुम्हारा इस शहर में गुजारा हो जाए। तो लाओ, निकालो 10 दिनार। हाँ हुजूर। एक, दो, तीन, 7, 8, 9 से काम नहीं चलेगा हुजूर। नहीं नहीं, 10। अरे मान जाइए। 10। नहीं मानेंगे, चलिए खुश रहिए। या अल्लाह, ये क्या? इतने सारे दिनार, इतने दिनार, ये दिनार किसके हो सकते हैं? तुम तो वही जिन हो ना? क्या नाम था? दौलत। हाँ का, मैं वही हूँ आपका गुलाम, जिन ने दौलत और ये दीनार आप ही के हैं। मेरे? हाँ का, ये आप ही की अमानत है। नहीं, नहीं।
भला ही मेरे कैसे हो सकते हैं? जरूर मुझसे पहले इस सराय में ठहरने वाला कोई मुसाफिर इन्हें यहां रखकर भूल गया होगा। नहीं, ये 1000 दीनार है आका। ये 1000 दीनार? हाँ आका, 1000 दीनार ऐसी मामूली रकम नहीं कि इस शहर का कोई इंसान यहां रखकर भूल जाए। मेरा एतबार कीजिए, ये दीनार आप ही के हैं और मैंने ही रखे हैं आपके लिए। मगर क्यों रखे हैं? मेरे आका, आपके मुर्गे सादत खा लेने के बाद से ही मैं आपका गुलाम बन गया हूं और हर रात यूं ही आपके तकिए के नीचे 1000 दीनार रखूंगा। लेकिन मुर्गे सादत तो बिलाल ने भी खाया था। उसके बदले जिन्हें रियासत उसकी खिदमत में हाजिर है। अजीब परिंदा है मुर्गे सादत, किसी को दौलत अता करता है, किसी को रियासत। बेचारा खुद अपनी जान से जाए और दूसरों को ऐश कराए। वाह, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता का। मुर्गे सादत की मौत पर आप अफसोस ना करें, ये सब किस्मत के खेल हैं। किस्मत के खेल नहीं, हवस और लालच का खेल था ये। मेरी सौतेली माँ ने अपने भाई के बहकावे में आकर एक बेगुनाह और बेजुबान परिंदे को जबा कर दिया। आप बहुत नेक और रहम दिल हैं आका, मगर लुटेरों की इस बस्ती में जरा संभल कर रहिएगा। आप एक परिंदे पर अफसोस कर रहे हैं। यहां दौलत के लिए इंसान इंसान का गला घोंट देता है। मैं इस शहर के इंसानों को देखना और आजमाना चाहता हूं। आपका गुलाम जिन्हें दौलत कदम कदम पर आपके साथ है आका। शुक्रिया मेरे दोस्त जिन, खुदा हाफिज। जब तक आप कोई हुक्म ना दें मैं जा नहीं सकता आका, मैं जा नहीं सकता। तो फिर आप सुबह तक के लिए मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। इब्ने हसन, शर्त लगा लो, अजनबी है। अबू मियां खालिद, इसमें शर्त लगाने की क्या बात है? वो तो उसकी चाल ढाल से ही पता लगता है, वो एक निहायत ही शरीफ इंसान है। हम लुटेरों और मक्कारों के शहर से उसका कोई वास्ता नहीं। मैं इसे अपने जाल में फंसाकर गुलाम बनाकर बाजार में बेच दूंगा। तुम्हारी मक्कारियां कुछ काम नहीं आएंगी, इतना नादान और अहमक नहीं लगता। कुछ और सोचो। और
अच्छा तो यूं करते हैं, मैं इस अजनबी से खड़े खड़े 200 दिनार ऐंठ लूंगा, बस तुम मेरी मदद करना इस नेक काम में। ठीक है, पर आधे मेरे होंगे, मगर शर्त तो अधूरी रह गई। तो आओ शर्त किसी और से लगाते हैं, चलो। ए खरबूजे, शर्त लगाओगे? शर्त? कैसी शर्त? अगर मैं उस अजनबी से इसी वक्त 200 दिनार वसूल कर लूं, तो क्या तुम मुझे 25 दिनार दोगे क्या? अगर तुम नाकाम हो गए तो हम दोनों तुम्हें 25-25 यानी 50 दिनार देंगे। मंजूर है, मगर शर्त पता है। जनाब रुकिए, जनाब रुकिए, जनाब रुकिए। क्या बात है भाई, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या चाहते हो?